हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी SSSC द्वारा आयोजित PET का एग्ज़ाम, जिसकी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 15 अक्टूबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसने कारण पूछा गया, क्या कारण था इसका? जो सही ऑप्शन है वो सी है, मींस नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसका सही आंसर है पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ऑप्शंस हैं इनमें से कोई नहीं, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। तो कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। थर्ड का सही ऑप्शन है सी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो फोर्थ का सही आंसर है सी, राजगोपालाचारी। ये जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पांचवा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? फिफ्थ का सही ऑप्शन है पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत और बर्मा, जो आज म्यांमार जिसको बोलते हैं, उसको अलग किया गया था। सिक्स क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश से नियंत्रण मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह, ओनली मोहन सिंह है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, ये मोहन सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश के जंगल में। अगला क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है तीसरा, प्रस्फोट फटना, मतलब एकदम से अचानक बारिश आ जाए उसको बोलते हैं प्रस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMT का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम, सेकेंड ऑप्शन सही है। आई थिंक ये तो सबको मालूम होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? दसवीं का सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है डी, सही आंसर है क्रूड अशोधित जन्म दर। अगला क्वेश्चन, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका सही आंसर है डी, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया पहले 1969 में। बारहवां क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थी? इसका सही आंसर है डी, संचार। तेरहवां क्वेश्चन है, डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे
जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पहला ऑप्शन सही है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका सही आंसर है पहला प्राथमिक क्षेत्र। 15वें का, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर है ए, पहला आंसर इसका सही है पंजाब। 16 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 29। 42वें, अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया? इसका सही आंसर है बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संशोधन के माध्यम से DPSP में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? पहला ऑप्शन ये सभी, सेकंड है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर है ए, सभी। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में समान तत्व है, बी इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन में डैश से लेपित होते हैं, जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं? इसका सही आंसर है बी, टेफ्लॉन से। अगला क्वेश्चन 21, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, संसद का काम क्या है? इसका सही आंसर है सी, कानून बनाना। ये जो आता है वो आर्टिकल 245 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये है केंद्र और राज्य संबंध सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष जो है वो एक दूरी का मेजरमेंट है, तार की दूरी का, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ए, 7.9। ट्वेंटी फाइव का है बी, 26 का, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सबसे बुद्धिमान जो है वो डॉल्फिन फिश है। और 27, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है पहला, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। 28 का सही आंसर है डी, 11/13। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 29 का जो आंसर सही आंसर है वो है बी, √5-2। 30 का सही आंसर है ए, 30 का ए। 31 स्थावर का विलोम जंगम, 31 का ए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है 32, इसका सही आंसर है बी, भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए 32। 33 का है ए, 33 का ए। 34 का बी, इति इति का सही अर्थ वेद है बी, समाप्ति विघ्न
35 का है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक। मतलब 35 का सही आंसर है ए। अब ये पैसेज है इंग्लिश का, तो 36 का सही आंसर है सी, थैंक यू कार्ड्स। 37 का सही आंसर है सी, नो। 38 का सही आंसर है सिनोनिम ऑफ टेम। 38 का सही आंसर है बी, डोसाइल। 39 का एंटोनिम पूछा गया है रैपिड, रैपिड का एंटोनिम होता है 39 का सेकंड ऑप्शन सही है टैडी, बी ऑप्शन सही है। 40 का सही आंसर है स्टोइक, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब जो खुशी में और दुख में एक जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। 40 का सही आंसर है सेकंड, इसका सेकंड ऑप्शन सही है स्टोइक। अगला क्वेश्चन 41 का सही आंसर है ए। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, इसका सही आंसर बी है स्टोइक, ना कि ऑप्टिमिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 हो गया था, 42 देखते हैं। 42 का सही आंसर है सी, यानी कि कथन दो जो है वो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, सी इसका सही आंसर है। अब 43 क्वेश्चन है, 43 का बी आंसर सही है नेपाल। 44 का जो सही आंसर है वो है सी, बांग्लादेश, सॉरी नेपाल। 44 का नेपाल सही आंसर है सी। 45 का सही आंसर है सी, 301। 46 का सही आंसर है डी, शुक्रवार। 47 का सही आंसर है बी, TGGFDE, ये वाला ऑप्शन सही है। 48 देखते हैं, 48 का सही आंसर है बी, कर्नाटक। 49 का सही आंसर है बी, UK। 50 का सही आंसर है सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 51 का सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। 52 जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसका सही आंसर है 52 का ए, बनारस में, ये वाराणसी सही आंसर है ए। 53 इंडियन बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है, ये की है नीति आयोग ने। 54 का सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। 54 का सी आंसर सही है। अगला देखते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका सही आंसर है डी, लक्षद्वीप। 56
छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पार किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही आंसर है बी, पांच राज्यों के साथ भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। 58, इसका सही आंसर है सी। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, 59 का सही आंसर है बी, कथक। 60 का सही आंसर, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। 61 का सही आंसर है 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो सही ऑप्शन है डी। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन 63, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, थॉमस कप 63 का बी। 64, विंग्स ऑफ फायर किसकी है, राइटर कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? इसका सही आंसर है बी, समुद्र के स्तर में वृद्धि। 66, ये पैसेज है हिंदी का, 66 का सही आंसर है बी, 67 का सही आंसर है डी, बच्चों की परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हुए। 68 का सही आंसर है ए, अधूरे संस्कार। 69 का सही आंसर है बी, जगहसाई से बचने के लिए। 70 का सही आंसर है डी, दो पीढ़ियों का अंतराल। अब एक और पैसेज है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ के और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन है 71 से, 71 का सही आंसर है डी। सेवेंटी थ्री का ए, 74 का बी, 75 का सी, 76, 76 से 80 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर्स देखते हैं। 76 का सही आंसर है ए, 77 का सही आंसर है सी, 2012, 78 का सही आंसर है बी, 2012, 79 का सही आंसर है बी, जिला ए, 80 का सही आंसर है डी, 88.54। अब 81 से 85 भी मैथ्स का क्वेश्चन है, एट्टी वन का सही आंसर है ए,
59:80। एटी टू का सही आंसर है सी। 64.71। 83 का सही आंसर है बी 144। 84 का सही आंसर है डी 118। 85 का सही आंसर है सी 85। 86 का सही आंसर है सी 86%। 87 का सही आंसर है ए 12.78%। 88 का सही आंसर है बी 2,00,000 रुपये। 89 का सही आंसर है सी 35%। 90 का सही आंसर है ए 72,50,000। अब 91 से 95 एक लाइन बार का क्वेश्चन है, तो इसमें 91 क्वेश्चन है, 2005 में दो कंपनियां हैं ए और बी की, आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर है 91 का वो है सी 45:68। ये इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। यदि 2005 में दो कंपनियों की इनकम समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के इनकम का कंपनी बी के इनकम से रेशियो क्या होगा। 92 का सही आंसर है ए 15:17। 93 का सही आंसर है डी 260 करोड़। 94 का सही आंसर है डी 102 करोड़। 95 का सही आंसर है बी 464 करोड़। 96 क्वेश्चन देखते हैं। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया जो एक कर था वो पुनः कौन से शासक ने लगाया था जो मुगल का था, मुगल शासक। 96 का सही आंसर है सी जहांगीर ने। 97 निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। 97 का सही आंसर जो है वो है रेलवे। यहाँ जो इंडिया में रेलवे है वो अंग्रेजों की ही देन है और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इंडिया में। 98 पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर है डी विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। 99 गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसका सही आंसर है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। 100 निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेष थी। हरिशेण किस शासक के दरबारी कवि थी। इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है 100। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।